नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वाईफाई यूपीएससी एन अकेडमी साइंस और टेक्नोलॉजी के हमारे शानदार प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? सो वी आर टुडे ऑन सेशन नंबर, जल्दी से कंफर्म कीजिए और भैया सबसे पहले करके दिखाएंगे लिखिए। और आज एक काम और कीजिए, आप किस शहर के हैं वो हमें जरूर बताइए। साइंस और टेक्नोलॉजी के हमारे आज के सेशन कौन सा नंबर आ गया भैया? आज का सेशन नंबर आ गया है 8, यस और नो? तो हमारे 8वें सेशन में आपका स्वागत है। आज से हम थोड़ा सा पैटर्न बदल रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। इन दिस वंडरफुल न्यू पैटर्न यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, बहुत मजा आएगा आपको। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए, एक ने लिखा है हेलो हाय छोड़िए जय सैंडी सर बोलिए। ये बच्चा ये जीवन में बहुत आगे जाएगा, इस पर हमारा स्पेशल आशीर्वाद है। ये बहुत आगे जाएगा जीवन में। बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमको एक मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा एग्जाम में। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे हाँ सर, आज हम नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन शुरू कर देंगे। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट स्टडी है ना, और उसके साथ में 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिर से लूंगा। हमने 60 तो कर ही लिए, 100 तक ले जाना, वो तो मैं ले ही जाऊंगा, आपको चिंता ही मत कीजिए। यस और नो? एक बोलता है एकदम झकास लग रहे हो सर। अच्छा, मतलब कल हम झकास नहीं लग रहे थे, ये कहना है तुम्हारा? तुमको हम श्राप देते हैं, एक मार्क तुम्हारा कम हो जाएगा। आइए काम शुरू करते हैं दोस्तों। ये मेरा परिचय, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आते के साथ पहला काम आपको करना है भैया यूट्यूब पर सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और कॉमेंट थ्रेड में बढ़िया बढ़िया बातें लिखनी है, रंग बिरंगे इमोजीज लगाने हैं। हमें इमोजीज बहुत पसंद है भैया, क्योंकि वो इंसान के इमोशंस दर्शाते हैं। यस और नो? ये है सिलेबस। सिलेबस में आपको नैनो टेक्नोलॉजी दिख रही होगी, बहुत छोटी सी कहीं छुपी हुई, क्योंकि नैनो है। प्यारे दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी हम आज कवर करेंगे, शुरू कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट है नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो टेक्नोलॉजी पर एक से ज्यादा सेशंस होंगे, कवर करेंगे। उसके बाद प्रीलिम क्वेश्चन, उसके बाद आज के 3 कॉन्सेप्ट्स भी लेंगे। तो फिर से मैं वहीं से शुरू करूंगा, मेरी आदत है, हमेशा स्टूडेंट से मैं रेटिंग लेते रहता हूं, ताकि मुझे भी तो पता चले भैया कि आपकी कड़ी अपेक्षाओं पर मैं कितना खरा उतर रहा हूं। 0 से 100 पर अभी तक के पूरे 7 सेशंस को रेट कर दीजिए जल्दी से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से रेट कीजिए, फटाफट रेट कीजिए। और जो आपके दिमाग में ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, कृपया वही रेटिंग कीजिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे मत जाइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। यस और नो? अपने साथियों को जोड़ लीजिए सेशन में, घर वालों को भी साथ में बिठाइए, मम्मी पापा को भी बिठाइए, क्योंकि विज्ञान के झूले में सबको झूलना कंपलसरी है भैया, 21वीं सदी है। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, बाकी के बच्चे जरा उनका कान पकड़ लें। 0 से 100 के स्केल पर रेटिंग कीजिए। और याद रखें, मेरा कंप्लीट कोर्स प्लस पर शुरू हो रहा है अन अकेडमी के। SM मेरे इनिशियल्स हैं, संदीप मानोधने, SM Sir 10 ये मेरा कोड है अन अकेडमी की तरफ से जो मिला है मुझे। आप जाकर एनरोल करें मेरे प्रोग्राम में, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्णन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा कोर्स शुरू होगा जिसमें मैं साइंस और टेक्नोलॉजी का काफी इनडेप्थ अध्ययन आपको एग्जाम के हिसाब से अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर करवाऊंगा। आई होप टू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू। SM Sir 10 ये कोड याद रखिएगा, और आगे बढ़िए और एनरोल कीजिए। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं आपके सामने हैं, फिर से रिवाइज करा देता हूं, पूरी लिस्ट देखते चलिए, बहुत डिटेल में घुसे हम इन सब चीजों पर, इन सब पे सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने आपको एक बेसिक बैकग्राउंड पहले बहुत अच्छे से इसलिए दिया कि हर किसी को कॉन्सेप्ट पर एक पकड़ बने, कॉन्फिडेंस आए, थोड़ी आपकी भाषा वो बने। और आज हम 3 कॉन्सेप्ट लेंगे, लेकिन उसके पहले हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का चैप्टर आज शुरू हो जाएगा, अर्थात नैनो प्रौद्योगिकी का, जिसमें प्रॉपर सिलेबस कवरेज होगा। ये देखिए आज के 3 कॉन्सेप्ट। पहला है वर्चुअल रियलिटी, पिछले ही साल वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी पर पूरा सवाल प्रीलिम्स में आया है, तो आज हम आपको वो पूरा करा देंगे। याद रखिएगा, ये पूरा कोर्स 100% एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है। कुछ कुछ टॉपिक्स में हमें काफी इनडेप्थ जाना पड़ता है, उसके बिना वो समझाया नहीं जा सकते, और मैं आधा अधूरा काम नहीं करता हूं। मेरी कोशिश है आपको डीप पढ़ाऊं, आपको मजा आए, तो जरा एक बार करके दिखाएंगे, जोर से लिख दो भैया। कॉन्सेप्ट 62, इलॉन मस्क फ्रस्ट्रेशन। ये आदमी तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो भैया ये फ्रस्ट्रू कब से हो गया? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, और उसमें एक इंसाइट है इसलिए बताएंगे, विज्ञान। उसके बाद तीसरी चीज, द हाइप अराउंड AI। आज मैंने एक MIT के प्रोफेसर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पढ़ा है, उसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यस और नो, शुरू करते हैं आज का काम, नैनो टेक्नोलॉजी। मज़ा आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। और 100 कॉन्सेप्ट तो मैं करा ही दूंगा, वो तो मैंने बोला ही है। अब जरा चित्र को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कमाल का काम होने वाला है। यस और नो, जल्दी बताइए। आपने पूछा है VOLTE और LTE पर भी समझाइए, बिल्कुल समझा देंगे। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन क्या है? टेक्नोलॉजीज है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बेसिकली टेक्नोलॉजीज हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सब बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। मेरा पहला सवाल, इस चित्र को समझाइए। एक ने लिखा है सर आप हैंडसम लग रहे हो, तो हम तो हैंडसम है, इसमें कौन सी नई बात है? 28 साल का आदमी हैंडसम नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? फिर बुढ़ा दिखेगा क्या? नॉनसेंस। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस इमेज टू मी क्विकली। ये इमेज मुझे समझाइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। प्लीज एक्सप्लेन दिस इमेज टू मी। इसमें पीछे आपको कोरोना वायरस जैसे पार्टिकल दिख रहे हैं, वो लक्ष्य नहीं है हमारा। यहां पर हम कोरोना वायरस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो वो सब नैनो स्केल के पार्टिकल्स हैं, कुछ और ही है। आप जो फ्रंट में आपको दो चीजें दिख रही हैं उस पर कॉमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तरों का, जल्दी बताइए। इस इमेज का इंटरप्रिटेशन दीजिए तब आगे बढ़ूंगा। यस सर, सभी बच्चों का स्वागत है। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे अक्रॉस इंडिया से जुड़ रहे हैं, आपके शहर के हैं वो जरूर लिखें। निरंजन बिस्वात कहते हैं हीरो लग रहे हो सर। अरे तो हम तो हीरो हैं, IIT के समय से हीरो हैं। वेट लिफ्टिंग टीम में थे, पावर लिफ्टिंग टीम में थे, धूम मचा के रखी थी हमने, हीरो नंबर वन। आई होप यू विल बी एबल टू गिव मी सम इंटरप्रिटेशन। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉमिस इन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो प्रौद्योगिकी में एक मूलभूत प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस यह है कि शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों के लिए जो हम दवाइयां खा के पूरे शरीर पर असर डालते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी ये प्रॉमिस दे रही है कि मैं एक नैनो पार्टिकल अंदर डालूंगी और वो नैनो पार्टिकल जो नैनो स्केल का होगा, 50 नैनोमीटर्स, 100 नैनोमीटर्स, 150 नैनोमीटर्स, और वो जाके इंडिविजुअली एक एक बीमारी के कण को मारेगा, आसपास किसी को नहीं मारेगा। तो ये तो जादू हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर हो गया है। कैंसर का बेसिक काम आपको पता ही है, एक सेल में कैंसर होता है और फिर वो फैलता चला जाता है, और हेल्दी सेल्स भी होते हैं। लेकिन आज कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ये पूरे शरीर पर असर डालते हैं, इंक्लूडिंग द बैड सेल्स, कैंसरस सेल्स। तो अगर नैनो पार्टिकल्स बन सकते हैं तो वो जाके केवल कैंसर सेल्स को ही मारेंगे, दूसरों को नहीं मारेंगे। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा ड्रामेटाइज्ड इमेज है समझाने के लिए। जो मैंने अभी बोला उसको अंग्रेजी में फटाफट 15 सेकंड में समझा देता हूं। द बेसिक प्रॉमिस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज टू बी एबल टू क्रिएट नैनो पार्टिकल्स विच कैन बी प्रोग्रामड टू परफॉर्म सर्टन टास्क इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। वन ऑफ द एप्लीकेशन, देर आर हंड्रेड ऑफ एप्लीकेशन, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज हिट विद अ कैंसर एंड एनी काइंड ऑफ कैंसर, द नैनो पार्टिकल्स कैन गो इन हिट स्पेसिफिकली द कैंसर सेल्स एंड लीव ऑल द हेल्दी सेल्स इंटैक्ट। दिस इज अ मैजिकल प्रॉमिस, एंड इन नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स वी मे बी ऑन द वर्ज ऑफ रियलाइजिंग दिस प्रॉमिस। तो अभी तक की बात समझ में आई या नहीं? कौन समझाएगा जल्दी? मुझे भी समझा दो मैंने क्या बोला। कई बार तो मैं बोलने के बाद भूल ही जाता हूं कि क्या है। अब क्या 28 साल की उम्र में मेमोरी लॉस हो रहा शॉर्ट टर्म? यस सर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तुमको स्पेशल श्राप है, तुम्हारे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। सर 0.25 कैसे कटेंगे? अरे भैया, टीचर का श्राप का तुमको मालूम नहीं है। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अभी तक का सब समझ में आया? तो क्या अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं? ओके, तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने अलग अलग शहर लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरे भारत वर्ष का यहां पर एक समूचा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है। सबसे पहला बिंदु, नोट्स अपने बना लीजिएगा अच्छे से, रिवीजन करते हैं उस वक्त भी, कॉमेंट्स पूरे जोश के साथ आने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए यार संदीप मानुधना सर पढ़ा रहे हैं यहां पर है। जो कॉमेंट थ्रेड देखे तो मजा आ जाए दुनिया को। नैनो टेक्नोलॉजी इज बोथ साइंस एंड इंजीनियरिंग, सबसे पहली चीज। क्या मतलब है इसका? मेरा पहला वाला सेशन याद करो, द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या इंजीनियरिंग को टेक्नोलॉजी मान लो। डू यू रिकॉल द इनिशियल सेशन वी हैड?
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मैंने आपको बताया था साइंस इज द वैल्यू फ्री परसूट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज विथ एन ऑब्जेक्ट इन माइंड, है ना. याद आ रहा है आपको, मैंने आपसे कहा था ये टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर साइंस है. तो जब हम बात करते हैं और एक ने बाद में बोला तो सर इतना पुराना फोन, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दे, टीचर का फोन कौन से जनरेशन का, ये देख के कोई फायदा नहीं होना है तुझे. तो प्यारे दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी इज बोथ साइंस एंड इंजीनियरिंग, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं इसमें. ये बहुत कमाल की बात है. अब आप जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए. मैंने ये कल पढ़ाया था आपको, कौन से कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था जल्दी बताओ. इसलिए बेटा, जब कोई भी चीज पढ़ाई जाती है तो एक बात समझ लेना, वो सब आपस में जुड़ी होती हैं. ये हमने कल ही पढ़ा था, याद आया. एक ने लिखा है, काशी से हूं, बम भोले दिल के द्वार खोले, हर हर महादेव शंकर शिव भोले. प्यारे दोस्तों, अगर इस स्केल को आप देखेंगे तो आपको यहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नैनोमीटर इज 10^-9 meter, समझ में आया. इसीलिए स्केल दिखा रहा हूं. तो भैया जो काशी से, बनारस से, वाराणसी से, उनको हमारा विशेष प्यार और जाके हमारी तरफ से प्रणाम. भोले बाबा के चरणों में रख दीजिएगा. शंकर शिव भोले, उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, महादेव महादेव महादेव. अरे सर, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं बताओ, स्केल याद हुई या नहीं. नैनोटेक इज डिवोटेड टू डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स बाय मैनिपुलेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट नैनो स्केल. इस बात को बहुत अच्छे से समझो. हिंदी भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो. वैसे एक बात बताओ, इतनी मेहनत लगा के घंटों घंटों हिंदी ट्रांसलेशन करने के बाद सब कुछ टाइप करके मैं लाता हूं, हमारे हिंदी के प्यारे प्यारे छात्रों ने तो कल कोई विशेष प्रेम हमारे ऊपर उंडेला ही नहीं. तो अब हम हिंदी बंद कर देते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली डिजाइनिंग है, प्रोड्यूसिंग है उन स्ट्रक्चर डिवाइसेस और सिस्टम्स का जिसमें आप सीधे सीधे अणुओं को, परमाणुओं को नैनो स्केल पे जाके एडजस्ट करते हैं. लिटरली स्पीकिंग, आप फंडामेंटल फाइबर ऑफ यूनिवर्स के साथ वर्क कर रहे हैं. अब यूनिवर्स की स्केल का फोन नंबर बताया था मैंने, क्यों बताया था, क्योंकि इस लेक्चर में जरूरत पड़नी थी. जब तक वो स्केल नहीं समझोगे, इन कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ समझ पाना मुश्किल होगा. इसलिए हर चीज को जोड़ो, इन डेप्थ घुसो, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, सिर्फ रटो मत. क्या ये पॉइंट समझ में आया? अभी तक कोई सवाल है तो पूछो, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए. एक ने लिखा है, सैंडी सर इज लिट. अरे आई हैव ऑलवेज बीन लिट प्यारे बेटे, चिंता ही मत कर. तू तो मजे करा देंगे इस कोर्स में. ज्ञान की ऐसी गंगा बहेगी कि पूछो मत. वैसे गंगा पे से याद आया, राम तेरी गंगा मूवी, राम तेरी गंगा मैली मूवी देखी आपने? राम तेरी गंगा मैली एक इतनी खूबसूरत मूवी है. उस मूवी का एक गीत है जो मेरा प्रिय गीत है. उसका एक अंतरा है, दिल को झकझोर देने वाला अंतरा है. मुझे आप आगे याद दिलाइएगा आधे घंटे के बाद, नहीं तो मैं वो मूवी की बातें करते रह जाऊंगा. उस मूवी का जो गीत है, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, वो गाना इतना अच्छा है कि आप इस क्लास के बाद उसको देखेंगे यूट्यूब पर. और उसका एक अंतरा मुझे गाने के लिए बोलना, मैं सेशन में आपको बीच में गा के बताऊंगा. दूसरा बिंदु क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताओ. अब आ जाइए भैया डायमीटर ऑफ एन एटम पर. ये होता है 0.1 से 0.5 नैनोमीटर. जिसको ये याद है, मैं इसको 3 या 4 बार आपको पढ़ा चुका हूं इसीलिए, ताकि आज का सेशन अच्छे से समझ में आ जाए. तो इसका मतलब नैनो टेक्नोलॉजी यानी सीधे सीधे एटम के साथ काम करना. यस और नो? यस और नो? दिनेश देव को हुस्न पहाड़ों का याद है, वो कहा, वो गाना है भी बहुत खूबसूरत, हुस्न पहाड़ों का. एक लिखता है, सर मूवी बहुत देख रहे हो. अच्छा, लिखती हैं स्वीटी जी, लिखती हैं, मूवी बहुत देख रहे हो. अरे भैया, हर हफ्ते में 2-3 मूवी तो देखना बनता नहीं, तो इंसान जिंदा किस लिए है? क्या पढ़ाने के लिए जिंदा है? हाँ? तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया. मेरे प्यारे प्यारे हिंदी भाषी छात्रों के लिए मैंने सब कुछ हिंदी भी कर दिया. देख लीजिए, इंजीनियरिंग को हिंदी में अभियांत्रिकी कहते हैं. मैंने मैन्युफैक्चरिंग साइंस और इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली से 4 साल की शिक्षा ली भैया. एक से एक प्रोफेसर्स ने हमको सिखाया, वहां से हम सिखाना सीख के निकले. मैन्युफैक्चरिंग साइंसेस एंड इंजीनियरिंग की 2री बैच में मैं था. अब तो बहुत एडवांस साइंस हो गया है. बहुत मजा आया, 4 साल IIT में बहुत इंजॉय किया. आई होप आपको ये बिंदु क्लियर है. तो हिंदी में भी तकनीक का पूरा प्रयोग करके मैंने आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया भैया. अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बड़े ध्यान से देखिए, स्केल्स को समझना है.
एटम यानी 10^-8 सेंटीमीटर, यानी 1/10^8 सेंटीमीटर का डायमीटर, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसको एक्सपेंड करके बाहर निकाला 1/10^12 सेंटीमीटर, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन 1/10^12 सेंटीमीटर, प्रोटॉन के अंदर से क्वार्क्स 1/10^16 सेंटीमीटर। क्वांटम फिजिक्स याद कर लो, उसमें जो डायग्राम दिखाए थे याद कर लो, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, नहीं तो आज आप पूछते सर ये क्या है। अब वो तो मैं सब आपको पहले दे चुका हूं, तो कृपया सेशन 1 से सेशन 7 पर आप अपनी असीम अनुकंपा बरपाइएगा, उन सेशंस का उद्धार कर दीजिए उनको पढ़ के। एटम्स वेरी अ लॉट इन साइज, परमाणु आकार में बहुत भिन्न होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की वजह से। ये तो हमने C12, C13, C14 के कंटेक्स्ट में भी देखा था, याद है कि नहीं? ये सब हमने कौन से IIT से हूं, IIT दिल्ली से बेटा, दुनिया में एक ही IIT है, IIT कहलाने लायक, और उसका नाम है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली जिंदाबाद, अरावली हॉस्टल जिंदाबाद, अड़ना नहीं अपन से क्या। दे आर ऑल नैनोमीटर साइज, 1 नैनोमीटर इज 10^-9 मीटर, ठीक है। A human hair has a thickness of 70 micrometer. तो हमारे एक एक बाल की थिकनेस 70 माइक्रोमीटर होती है, 70 माइक्रोमीटर। तो नैनोमीटर तो उससे बहुत नीचे आता है, मिली माइक्रो नैनो, यानी 3 ऑर्डर नीचे है। सो दिस हेयर इज एक्चुअली फार फैटर, जब हम उसके डाय की बात कर रहे हैं, देन अ नैनो पार्टिकल। और एटम का न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों, वो एटम की साइज का 1/10,000 होता है। ये चार्ट पूरा अच्छे से देख लो, इसको बना लो, इसको दिमाग में बिठा लो, इस पे कोई सवाल है तो पूछो। अभी आगे आपको आज एक ऐसी चीज बताएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जय सलामे जुड़ रहे हैं, लिखा है आप नीलगिरी हॉस्टल से हैं, आप वहां से एमटेक कर रहे हैं जय जी, या बीटेक कर रहे हैं? तो ये 70 माइक्रोमीटर है प्यारे दोस्तों, आई होप दिस इज टोटली क्लियर, यस और नो? अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया तो हाथ उठाओ भैया, पता चले हमें कि यस सर करके दिखाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ूं, एक सवाल है, आप में से कितनों को छिपकलियों से नफरत है? हाउ मेनी ऑफ यू हेट लिजर्ड्स एंड हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट हेट लिजर्ड्स? मैं ये तो नहीं पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू लव लिजर्ड्स, आज के सेशन के बाद यू विल स्टार्ट लविंग लिजर्ड्स, ये मेरा वादा आपको। अरे बस अभी रुक जाओ तुम, वंस दिस सेशन कंप्लीट्स यू विल फॉल इन लव विद लिजर्ड, जिनको गेको कहते हैं, लेकिन अभी वो थोड़े देर के बाद। हाउ मेनी ऑफ यू हेट लिजर्ड्स एंड हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट हेट लिजर्ड्स? आप सब 8 बजे तक आपका हृदय परिवर्तन, अरे गारंटी, बैठा हूं इधर मैं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो प्यारे दोस्तों। द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर नैनो टेक्नोलॉजी कम्स नॉट फ्रॉम साइंटिफिक लैब्स बट फ्रॉम द लैब्स ऑफ मदर नेचर हरसेल्फ। ये बिंदु बहुत गहरा बिंदु है। वैज्ञानिक जब नैनो प्रौद्योगिकी की प्रेरणा लेना चाहते हैं तो ये बहुत पहले समझ में आ गया वैज्ञानिकों को कि ज्यादा लेफ्ट राइट सेंटर मत करो, प्रकृति को पढ़ो। प्रकृति में उन्होंने जब गेकोस को देखा, यानी कि छिपकलियों को, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। एक इतनी लंबी छिपकली, इनफैक्ट कुछ छिपकलियों का वजन 300 ग्राम तक होता है, वो छत पर उल्टी चलती है, मतलब ये तो जादू है, उसको ग्रेविटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लें? तो फिर हम ऐसे ग्लव्स बना पाएंगे जिसके बाद क्या होगा, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आज आपको मैं बताऊंगा कि नैनो टेक्नोलॉजी में किस तरह से ह्यूमन स्पाइडरमैन बस बनने ही वाले हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक्चुअल रिसर्च की बात करेंगे हम, और ये सब सिलेबस का हिस्सा है बेटा। मैं आपके साथ हंसी मजाक में चीजों को पढ़ाता हूं, उससे कभी ये मतलब मत निकालना कि यहां पर काम की बात नहीं हो रही है, वो तो जब परीक्षा में सामने देखोगे तो आनंद परमानंद होने वाला है। 8 बजे तक लिजर्ड से प्यार हो जाएगा, चिंता मत करो, गारंटी दे दी है मैंने तुमको आज। प्रकृति की तरफ देखेंगे तो नेचर इज फुल ऑफ क्रीचर्स दैट यूज नैनो टेक्नोलॉजी। समझ में आया? सब कुछ हिंदी में पढ़ो अच्छे से पैरेलल में। और ये हुआ कैसे?
ये नेचुरल एवोल्यूशन की प्रक्रिया है करोड़ों सालों में जो पृथ्वी पर जीवों ने अपने आप विकसित कर ली, द प्रेशर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग टू एवोल्यूशन। तो यहां मैं आपसे दो सवाल पूछना चाह रहा हूं, जल्दी से मुझे उत्तर दीजिए। वॉट प्रिंसिपल इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड अपॉन? विकास क्रम की पूरी थ्योरी किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? और अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला ना, मुझसे बुरा हो ना। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमारा दिल टूट जाए, ऐसा गजब ना करो। वॉट बेसिक प्रिंसिपल इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड अपॉन? विकास क्रम का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था एक द्वीप समूह पे जाके, वो द्वीप समूह का भी नाम बताओ बेटा, वहां की चिड़ियों फिंचेस को स्टडी करके। विकास क्रम का सिद्धांत किस मूल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उस प्रिंसिपल का नाम बताओ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलने वाले को बाकी लोग कान पकड़ लें, उसके कान उमेट दीजिए, जो बोलेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसका कोई लेना देना नहीं इससे। मेन प्रिंसिपल क्या है वो बता, अभी बता भी दिया था मैंने, जल्दी बोलो। अब डार्विन थ्योरी बोल रहे हो यार, तुम्हारे कान घुमा देने चाहिए पकड़ के, क्या बोल रहे हो यार। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में मूल सिद्धांत क्या है? वेरी गुड, अदिति बता रही हैं द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी गुड। गैलापागोस आइलैंड जिन्होंने दिया है उनके लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। साउथ अटलांटिक ओशन में गैलापागोस द्वीप समूह। तो अब आप सबसे पहले समझिए चार्ल्स डार्विन और थ्योरी ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन क्या है। प्राकृतिक विकास क्रम का सिद्धांत जिस मूल सिद्धांत पर टिका है उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसमें से निकला हुआ एक धागा है, भूल जाओ अभी उसको। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली मीन्स, सिलेक्शन बाय नेचुरल प्रेशर बेसिकली मीन्स, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का अर्थ है, किसी भी स्पीसीज में, प्रजाति में, वो इंडिविजुअल्स जो अपने वातावरण के प्रति सबसे अधिक अनुकूलित होंगे, अंग्रेजी में भी समझा दूंगा, उनका चयन प्रकृति वरीयता पे करती है, प्राथमिकता से करती है। इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज विच आर मोर सूटेड टू एन एनवायरमेंट आर सिलेक्टेड बाय मदर नेचर फॉर सर्वाइवल ऑन प्रायोरिटी, so their children survive on priority because the others die down, so their children so over 10,000 20,000 30,000 generations only one particular type of species will remain in that ecological niche. Theory of evolution लाखों सालों पे होती है, वो 500 साल 1000 साल पे चलने वाला सिद्धांत नहीं है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन नेचुरल सिलेक्शन का जादू धीरे 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 सब बदल के रख देता है। समझ में आ गया? इसको कई लोगों ने कह दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो ठीक है क्योंकि वो उस निश के लिए सबसे फिट थे। अरे लेकिन वो आए कहां से? वो आए नेचुरल सिलेक्शन से। अब मुझे बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? ठोको ताली, अगर मजा आया तो बोलो संदीप सर जिंदाबाद, संदीप सर महान है, संदीप सर भगवान है। नहीं कंपल्सरी बोलना, बोलो, नहीं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं आज। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रस्सी पकड़ के लटकने वाले समझ लें, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है सही रस्सी जिसको पकड़ के लटकना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये सब मैंने क्यों बताया बेटा? नैनो टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट अब छिपकलियों की ओर देख रहे हैं कि हमको इनसे नैनो टेक्नोलॉजी सीखनी है, और छिपकलियों ने करोड़ों वर्षों में खुद को इवॉल्व किया नेचुरल सिलेक्शन प्रक्रिया से, तो कम से कम वो तो हमको मालूम हो। आ गया समझ में कि नहीं? जल्दी बता दे, अभी तक सब क्लियर है? कठिन तो नहीं जा रहा? बाद में बोलोगे अरे यार संदीप सर यार ये समझ नहीं आया यार, सर फिर से समझाओ यार। अरे फिर से क्या समझाएंगे, यूट्यूब पे सब पढ़ा, रिवाइज करके देखो ढंग से। एक लिखता है लॉन्ग लिव हाइनेस, मेरे लिए लिखा है तो भैया माफ करना, सीधा सरल इंसान हूं। अरे सर अभी आपने बोला कि संदीप सर महान लिखो। अब आप इन जानवरों की तरफ बड़े ध्यान से देखिए, बीटल, फ्लाई, स्पाइडर्स एंड गेकोज, आपको इनसे कितनी भी नफरत हो आज बड़े ध्यान से देख लो। माई डियर स्टूडेंट्स, दो माइक्रोमीटर की स्केल नीचे दी है ताकि आप इस जानवर के साथ उस स्केल को देख पाओ। लेफ्ट टू राइट द स्केल इज ग्रोइंग, द एनिमल इज बिकमिंग बिगर। यह समझ में आया कि नहीं? जब आप एक कीट
एक मक्खी, एक मकड़ी, स्पाइडर्स आर एरेकनिड्स, याद रखिएगा बायोलॉजी सिलेबस में बेटा प्रीलिम्स के, एरेकनिड फैमिली के होते हैं, ARACHNID, गेको। स्पाइडर्स आर मिरेकल्स ऑफ एवोल्यूशन, और गेको यानी कि ये तो सब रेप्टाइल्स हैं, छिपकलियां हैं, यस और नो मेरे प्यारे दोस्तों? बीटल, फ्लाई, स्पाइडर, गेको साइज में बढ़ रहे हैं, यस और नो? इनके एक कॉमन फीचर है सबके, पता है क्या प्यारे दोस्तों? ये सबके सब इनके पांव के नीचे ये चिपकने वाले यंत्र हैं, तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हैं बिना डिग्री वाले, इसलिए भारत में नौकरी मिल नहीं पाएगी इनको, क्योंकि डिग्री नहीं है इनके पास। डिग्री होती तो नौकरी मिल जाती, भले ही ज्ञान नहीं हो, लेकिन इनके पास ज्ञान है, स्किल है, डिग्री नहीं है, इनको बेचारों को कोई नौकरी नहीं देगा। दैट तेरे की ये समझ में आया कि नहीं? तो चलो हमारी प्यारी गेको को नीचे से देखते हैं। यह है हमारे घर में छत पे चलने वाली छिपकली जिससे तुम्हें नफरत है। अब तुमको मैं इससे प्यार करवा देता हूं। इस छिपकली को ध्यान से देखो, ABCDE। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगा, तभी मजा आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ए पूरी छिपकली मैक्रो, बी मीजो उस छिपकली का पंजा, सी उस छिपकली के पंजे के बाल माइक्रो, डी उस बाल में से एक बाल का जूम इन, और ई उस बाल के किनारे का जूम इन नैनो। अब आप बोलेंगे कि सर ये नैनो जो हेयर हैं ये क्या करते हैं? ये वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिससे वो चिपक जाती है जिस किसी सरफेस पे चाहे उससे, यस और नो? मजा आया कि नहीं? अरे डरो मत, छिपकली तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी, और भगवान का बनाया जीव है तो वो गंदा हो ही नहीं सकता। जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है, तुम कैसे धार्मिक आदमी हो अगर तुमको भगवान के बनाए जीवों से घृणा हो रही है? तो भगवान ने जो बनाया अच्छा ही बनाया होगा ना, मतलब तुम ये कह रहे हो कि भगवान की बनाई हुई छिपकलियां गंदी हैं? एक बार इस लिहाज से सोच के देखना, दुनिया के हर प्राणी से प्यार हो जाएगा तुमको। एनीवे, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहां तो इंसान को इंसान से प्यार नहीं बचा है, मैं कहां छिपकलियों से प्यार करने की बात कर रहा हूं यार। विज्ञान और टेक्नोलॉजी पढ़ा ले संदीप मानुधन, ज्यादा लेफ्ट राइट मत कर। अब यह है इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत ध्यान से देखिए एक्सप्लेनेशन मेरे प्यारे दोस्तों। स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ द गेको एडहेसिव सिस्टम, गेको की चिपकने वाली प्रणाली की पदानुक्रम। गेको टो पैड्स, ए और बी में उसके नीचे के पैड्स, सी में गेको के सीटास SETAE, डी में सिंगल सीटा ऑफ द टोके गेको, टोके गेको एक प्रजाति है, और ई में उसका गेको स्पेचुला, वो जियो नहीं है, वो गेको है, गेको स्पेचुला। समझ में आ गया? अच्छे से देखो, ये सारे टर्म्स नोट कर लो, ये सारे टर्म्स काम के हैं। तो ये नैनो लेवल तक प्रकृति ने करोड़ों सालों में इनको बना के ग्रो कर दिया, यस और नो? बात समझ में आई या नहीं? आप में से कईयों के लिए ये पहला एक्सपोजर है, मैं समझ सकता हूं। एक लिखता है, तेजस्वनी जी लिखती हैं कि मेरे फेस पर गिर गई थी, वो आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, आपने उसको झिटक दिया, अब ज्ञान आपके पास चल के आ रहा और आप उसको झिटक रहे हो, तो खत्म। आकाश लिखते हैं कि डज नॉट अप्लाई ऑन एथीस्ट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है, नास्तिकों पर यह लागू नहीं होता मेरा सिद्धांत, बिल्कुल सही बोला। प्यारे दोस्तों, अभी तक समझ में आ गया सब कुछ? तो इससे हमें क्या, इससे हमें ये, साइंटिस्ट गॉट अ वंडरफुल आइडिया, व्हाई नॉट कॉपी व्हाट मदर नेचर इज डूइंग। तो प्यारे दोस्तों, एक पूरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग निकल कर आ गई, दुनिया की बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये ब्रांच है, बायोमिमेटिक्स। पता है क्या होता है बायोमिमेटिक्स में? प्रकृति ने जो किया कॉपी कर लो। जैसे एक छोटी सी मक्खी कैसे उड़ती है, क्या हम इतना सा रोबोट बना सकते हैं जो ऐसा उड़े? कोशिशें जारी हैं, साइंटिस्ट सारी दुनिया में नेचर के ये छोटे छोटे क्रीचर्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और पसीने छूट रहे हैं उनके, क्योंकि ये तो भैया करोड़ों सालों में बन के आए ना, इंसान को तो अभी आके 70 साल हुए विज्ञान में। बायोमिमेटिक्स, मिमिक्री से मिमेटिक्स, मिमिक्री वही वो जो मैं आपको सब करके दिखाते रहता हूं,
शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप वाली, आई एम द बेस्ट, आई नो द बेस्ट मेकर इन द वर्ल्ड, नो सर यू आर नॉट बेटर देन मी, नो सर आई नो बेटर देन यू, मतलब इसको कहा मिमिक्री आती है, मिमिक्री तो मेरे को आती है। बायोमिमेटिक्स इज द इमिटेशन ऑफ द वे नेचर इज स्ट्रक्चर्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स। आने वाले 20 सालों में ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग बहुत आगे जाएगी, ये हमारी गारंटी है, देखते चलना। समझ में आ गया कि नहीं, हिंदी में पढ़ लीजिए। उम्मीद करूंगा हर बच्चा हमारे साथ है, यू आर ऑल विथ मी, आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे हैं और आपको गहराई से चीजों को पकड़ने में आसानी हो रही है और सेशन में मजा आ रहा है। जल्दी बोलो। एक प्रोफाइल है किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया वाले, अरे अपना असली नाम तो लिख ले। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी बायोमिमेटिक्स। लेफ्ट साइड में ए और सी गेको के पांव, गेको यानी छिपकली, गेको के पांव का है। राइट साइड में बी और डी फैब्रिकेटेड पॉलीस्टायरीन नैनो हेयर तो वैज्ञानिकों ने बना लिए हैं। तो इसका मतलब वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ग्लव्स आ जाएंगे जिनकी मदद से आप सीधे सीधे दीवारों पर और छतों पर चढ़ पाएंगे। तो चोरों की तो ऐश हो गई, अब तो वो कहीं भी ऐसे उल्टे चढ़ के जा सकते हैं। अरे लेकिन वहां पुलिस वाला भी तो लटका हुआ होगा ना पहले से, तो कोई ऐश नहीं हुई, वही देगा दो झापड़ खींच के। इसलिए अगर ऐसे इरादे आ रहे हैं तो छोड़ देना, क्योंकि पुलिस भी वहीं लटकी हुई मिलेगी तुमको। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। तो लेफ्ट में जो दिख रहे हैं बेटा वो नेचुरल है, राइट में जो है वो वैज्ञानिकों के बनाए हुए हैं। स्लिपरी सरफेस पर क्यों नहीं चिपक पाती? वैक्यूम नहीं क्रिएट होता ना बेटा। जब तक वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तब तक, एक ने पूछा क्या माइक्रोबायोलॉजी और नैनोटेक सेम है? माइक्रोबायोलॉजी इज द फाउंटेन हेड ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी, उसको ऐसा देखो बेटा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब इसमें थोड़ा तकनीकी समझते हैं अच्छे से। द लार्ज साइज ऑफ द गेको, अब इस गेको को देखिए, इसका नाम है टोके गेको। क्या खूबसूरत है यार, देखो सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम। अरे सर चेंज करो इस स्लाइड को, अभी तक प्यार नहीं हुआ तुमको इन प्यारे प्यारे जीवों से, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। द लास्ट साइज ऑफ द गेको, अब इतने बड़े टोके गेको 300 ग्राम का 35 सेंटीमीटर लंबा, ये छत पर उल्टा लटक के जा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि बॉस ये तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, ड्राई एडहेसिव, अच्छे से नोट कर लो, यानी कि शुष्क गोंद। तो ये ड्राई एडहेसिव टेक्नोलॉजी चल रही है, ये तो रिमार्केबल हो गया। और वैज्ञानिकों ने बोला 2010 के बाद कि हम भी तो ऐसा बना सकते हैं ड्राई एडहेसिव, और इसके लिए क्लाइंबिंग रोबोट बन जाएंगे। और अगर क्लाइंबिंग रोबोट बन जाएंगे तो सारी दुनिया में कितनी सारी चीजें हल हो जाएंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बाहर क्लाइंबिंग रोबोट सारा काम कर देंगे, इंसानों को लटकाने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि नौकरियां कम हो जाएंगी। जस्ट इमेजिन। तो अब मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, अभी के भी बताओ, अगर ये ऐसे ग्लव्स बन जाते हैं चिपकने वाले गेको टेक्नोलॉजी से, उसके कुछ एप्लीकेशन बताओ। वो चोर डाकू सिपाही वो हो गए, स्पाइडरमैन वो भी हो गया, उसके अलावा कुछ तीन चार एप्लीकेशंस मुझे जल्दी से बता दो। और भैया अनअकैडमी पर प्लस पर मेरा कोर्स कल से शुरू हो रहा है, 5:30 से 6:30 मैं क्लासेस लूंगा, जरा फटाफट एनरोल करने लगा कर, वहां भी लिख देना संदीप सर जिंदाबाद। हाँ नहीं तो, आई होप दिस इज क्लियर, अभी तक क्लियर है? तो गेको तुम्हारा काम हो गया, अब तुम आराम से जाके कॉकरोच खाओ। एक्सप्लेनेशन, अब इसका पूरा का पूरा व्याख्या समझ लो। गेको के टोस पर 100 करोड़ से ज्यादा छोटे छोटे बाल होते हैं प्यारे दोस्तों, और ये जो एकदम छोटे छोटे बाल होते हैं 200 नैनोमीटर विड्थ और लेंथ में होते हैं। ये सीधे सीधे गेको को अपने पर्यावरण के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि जो हर मैथ से प्यार करने वाले बच्चे को आनंद आ जाएगा। एक बात बताइए, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो याद है आपको? मैथ्स में मेंसुरेशन पढ़ा है ना सबने? हाँ सर, बहुत गंदा चैप्टर था, मैं तो स्कूल ही नहीं जाती थी उस दिन। वही सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो,
किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर फिक्स्ड है तो उसका मैं जितना सरफेस बढ़ाता जाऊंगा उतना वो एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आता जाएगा। अभी चित्र के साथ समझाऊंगा। नैनो हेयर, ये जो गेको के नीचे हैं, ये एक लिमिटेड वॉल्यूम में मैक्सिमम सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं जिससे मैक्सिमम सक्शन और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। दीज हेयर्स पुट द गेको इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट्स एनवायरमेंट। द शेप ऑफ द फाइबर इज वेरी सिग्निफिकेंट। उसका सही आसंजन यानी गोंद होने के लिए, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना और ये वैज्ञानिकों को पूरी प्रेरणा मिल गई। अब लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो बीटल, फ्लाई, स्पाइडर और गेको में वजन बढ़ता जाने की वजह से द नंबर ऑफ हेयर नीडेड टू होल्ड द बॉडी दे कीप ग्रोइंग। ये मदर नेचर ने किया करोड़ों साल में, ये उसका सबूत है लेफ्ट टू राइट। ये सब ओरिजिनल रिसर्च पेपर से मैं निकाल निकाल के लिए आपके लिए लाता हूं दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। तो ये जो मैंने अभी दिखाया, द नैनो स्केल फाइब्रिलर स्ट्रक्चर इन एनिमल्स विद हेयरी अटैचमेंट पैड्स, नैनो स्केल पर इन जानवरों का आकार लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, उनके पैड्स में जो स्ट्रक्चर है वजन के साथ साथ और बारीक और बारीक और बारीक और बारीक और घना और घना और घना होता जाता है, तभी तो वो वजन को होल्ड कर पाएगा ना, अदरवाइज वो होल्ड कैसे कर पाएगा। एब्सोल्यूटली लिखा है आपने, वैंडरवॉल इंटरेक्शंस विच इज एब्सोल्यूटली द माइक्रो लेवल फोर्स विच इज क्रिएटेड। मैं वो चीजें आज सारे फोर्सेस नहीं ले रहा हूं, एक सेशन में आपको द टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर भी कवर करवा दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने थोड़ा सा उसको जनरल तरीके से समझाया है, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं। कई बच्चे यहाँ बड़े इंटेलिजेंट हैं तो कमेंट सबके पढ़ते रहना, वो उसमें भी अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, और आप में से कई लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मुझे देख के मजा आता है। तो स्पाइडरमैन आ रहा है, तैयारी रखिएगा, और हो सकता है अगले स्पाइडरमैन आप ही हो। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों में उसमें नए नए मटेरियल होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। अब सबसे बड़ी बात यह समझो कि जो मटेरियल मैक्रो लेवल पर किसी तरह से बिहेव करता है वो नैनो लेवल पर बिल्कुल अलग बिहेव करता है। अ मैक्रो बिहेवियर ऑफ अ मैक्रो मटेरियल द सेम एट द नैनो लेवल इज टोटली डिफरेंट। अब एक सीधा सा उदाहरण देता हूं, नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसे पेंट बनाए जा रहे हैं, पेंट पेंट गाड़ी पे लगने वाले पेंट, विच आर डस्ट रिपेलेंट वॉटर रिपेलेंट। वो दिन दूर नहीं जब हमारी गाड़ियों पर लगने वाले पेंट ऐसे होंगे जिन पर धूल और पानी टिक ही नहीं पाएगी। कैसे? उन पर एक नैनो लेयर की कोटिंग है जिसमें हाइड्रोफोबिक एटम्स को जमा दिया गया है जो जल को पीछे, तो डस्ट और वॉटर गाड़ियों पे चिप, गाड़ियां चमकती ही रहेंगी क्योंकि कुछ भी आएगा वो उसको रिपेल कर देगा। जस्ट इमेजिन नैनो क्या क्या कर सकता है। बस टाटा ही नैनो को नहीं बेच पाया, बाकी तो नैनो ने सब कुछ कर लिया। 2019 में एक नैनो बिकी थी, उससे तो वो भी नहीं बेचते तो बोल सकते थे फैक्ट्री बंद हो गई। एनीवे, तो एप्लीकेशंस ऑफ नैनोटेक इन्वॉल्व न्यू मटेरियल दैट हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल किस वजह से होता है? सबसे बड़ी बात है प्यारे दोस्तों, हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द नैनो पार्टिकल, नैनो कणों के उच्च सतह से आयतन अनुपात के कारण। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझते चलो। अब आप समझिए सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो जब हम बोलते हैं कि भैया सतह से आयतन का अनुपात, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जितना बढ़ेगा उतना उस गिवन वॉल्यूम में छुपा हुआ मैटर प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करने के लिए फ्री हो जाएगा। यस और नो, जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। कई बच्चों ने काफी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, अपराजिता ने बहुत अच्छी बात लिखी है, थैंक यू सो मच। और जिंदगी में याद रखिएगा, जब जागो तब सवेरा, जहां से ज्ञान के साथ प्यार हो जाए, चीजों को सीखने में मजा आने लगे, बस वहीं से सवेरा बेटा। कभी भी जो गुजर गया उसकी नहीं सोचते, जो आने वाला कल है उसके लिए पॉजिटिव रहो, नहीं तो जीवन जीना ही मुश्किल है। गॉड ब्लेस अस ऑल। अब इसको ध्यान से देखो, तो मैं अगर एक शुगर क्यूब लेता हूं या एक क्ले का क्यूब लेता हूं, मास वही है, वो जो द्रव्य है पिंड है वो फिक्स है। अब उसको काट देते हैं, काटते जाते 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 हैं, सरफेस बढ़ रहा है, सरफेस बढ़ रहा है, सरफेस बढ़ रहा है, सरफेस बढ़ रहा है, वॉल्यूम वही है, मास वही है,
वेट वही है, सरफेस 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 सरफेस, अब उसकी सारी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी अगर पहले वो होता और अब ये है। ध्यान से देख लो एक बार, इसको कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ने का कमाल। द सेम मास द सेम वॉल्यूम स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली, यस और नो? आप में से जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र अभी दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, अपनी जिंदगी भर से मैंने जो कुछ चीजें सीखी, बड़ी चीजें, उनमें से एक बहुत बड़ा मंत्र आपको दे रहा हूं। ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट, फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। रिमेंबर द पास्ट टू रिमेंबर सर्टन लेसन्स, दैट्स इट, नथिंग मोर। डोंट लिव इन द पास्ट, ऑलवेज रिमेंबर इन द प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। नेवर लिव इन द पास्ट, बिकॉज इफ यू स्टार्ट लिविंग इन द पास्ट यू विल डिस्ट्रॉय योर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर विल नेवर अराइव। हमेशा वर्तमान में रहिए और हमेशा भविष्य की सोचिए। भूतकाल की सिर्फ और सिर्फ कुछ कड़वे सबक को बीच बीच में याद करने के लिए सोचिए। अगर आप भूतकाल में जीते रहेंगे तो आपका वर्तमान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, राख हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा और भविष्य तो आएगा ही नहीं। और ये हर इंसान की डेली स्ट्रगल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी भी वही स्ट्रगल है, तुम्हारी भी है, तुम्हारे मम्मी पापा की भी। और हर इंसान को रोज इस डिटर्मिनेशन के साथ लड़ना है कि मैं प्रेजेंट में जीऊंगा फ्यूचर के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से ऐसे कई लोग हैं जो भूतकाल में जीना पसंद करते हैं और फिर रोते रहते हैं कि मेरा वर्तमान क्यों बिगड़ रहा है। उसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है और ये आसान नहीं है। तो लड़ो, ये रोज की लड़ाई है, इसमें फायदा तुम्हारा ही है, करके देखना। अब आ जाते हैं बोरिंग बातों पे, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। धैर्य तेरी की सर, इतनी बढ़िया बात बता रहे थे, अब कहां सरफेस वॉल्यूम, बेकार साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो सर, हैं? कमेंट थ्रेड में रिपीट कर देना जो मैंने अभी आपको महामंत्र दिया था। अरे भैया, जब मैंने पहली बार IIT JEE 1988 में दी थी, मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था, मेरे 6 महीने बिगड़ गए, तो पहली बार में मैं फेल हो गया IIT JEE में, स्कूल का टॉपर आदमी। तब मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा संदीप, फेलियर से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर से प्रयास करने से मना करोगे तो उससे मुझे बहुत दिक्कत है। फिर तो मैंने जो गांठ बांधी और 18-18 घंटे पढ़ाई की और 643 रैंक IIT में अगले साल लाया और IIT दिल्ली गया, और तब से जो मैंने वो सबक सीखा कि यार फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास तो करो, अगर फिर से फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, शायद वो लाइन ही आपके लिए नहीं थी, लाइन बदल लो। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते चलूंगा, फायदा उठाते चलिएगा। फिलहाल समय है वापस इस पर आने का दोस्तों, खामोश। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी, फंडा क्लियर। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियल होंगे ह्यूमन सोसाइटी के लिए, अलग अलग अनुप्रयोग होंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ने इसको यूज किया। मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया था, हालांकि वो नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो लाइट का ही सीधा सीधा प्रयोग है। उम्मीद करूंगा आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझे कल, और इस तरह से सारी चीजों को जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। प्यारे साथियों, फूड टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, मेडिकल प्रोडक्ट्स, मेडिकल में तो सबसे ज्यादा आ रहे, कैंसर से लड़ने के लिए नैनो रोबोट बन जाएंगे गुरु। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? नैनो मटेरियल्स ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे। अभी आगे मैं अगले पार्ट टू में जब नैनो टेक्नोलॉजी में आऊंगा उसमें मैं आपको काफी हद तक अनुप्रयोग बताऊंगा। अब नैनो मटेरियल क्या होते हैं? ये वो केमिकल सब्सटेंसेस है बच्चों जो एक्चुअली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ताकि उनसे नैनो चीजें बने। अब याद रखना, नैनो मटेरियल्स में हम बकी बॉल्स की बात करेंगे, आप ये जो टेनिस खेलते हैं उसके जो पूरे रैकेट्स होते हैं उनमें सारे कार्बन फाइबर्स जो होते हैं वो जादू ही होते हैं। मैं वो पढ़ाऊंगा कल आपको कि उनमें ऐसा जादू क्या है, वो कितना भी लंबा बना लीजिए वो टूटते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में आ चुकी है नैनो टेक्नोलॉजी की, ये सब हम पार्ट टू में देखेंगे। दो चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो मटीरियल में जब वो पार्टिकल को इंडिपेंडेंटली देखोगे तो उससे डरने की जरूरत है, क्योंकि वो अंदर जाके कैसे बिहेव करेगा पता नहीं, लेकिन जब नैनो पार्टिकल किसी बड़ी चीज का हिस्सा है तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा। तो ये चीज भी हम पार्ट टू में अच्छे से देखेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नैनो टेक्नोलॉजी पार्ट वन इज कंप्लीट, कल हम देखेंगे पार्ट टू। मजा आया कि नहीं, चीजें समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बताइए।
तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह सब समझ में आ गया है तो समय है हमारा तेजी से आगे बढ़ने का। आज के हमारे तीन कॉन्सेप्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वन जो आज का है 61st, इस पर तो प्रीलिम्स में सवाल आ गया था, लोकल लो बात, और उस सवाल को भी हम हल कर देंगे। आपको जैसे ये बताएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, यस और नो। वर्चुअल रियलिटी यानी कि आभासी वास्तविकता शुरू करूं मैं, और उसके बाद एलन मस्क क्यों फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसके बाद AI क्या वाकई में कोई चीज है या AI का सिर्फ हाइप है। आपको एक पूरा बहुत गजब का इंसल्ट दूंगा मैं उसमें, क्योंकि अगर एग्जाम में आपसे पूछा कि 250 शब्दों में समझाओ AI क्या है, तो आपको नेगेटिव भी तो पता होने चाहिए ना भैया, यस और नो, यस और नो। तो बच्चों को मजा आया, एक लिखता है नहीं आया। ये है विशाल विशु, इसको मजा नहीं आया। कान पकड़ो जरा इसका, जरा जल्दी से नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से घुस जाओ इसके कानों में और अंदर खुजाल मचा दो कान में इसके। एनीवे, क्या बात कर रहे हो सर आप। वर्चुअल रियलिटी में दोस्तों, ये आज के अखबार की कहानी है। न्यू वर्चुअल रियलिटी गेम लेट्स पेशेंट्स शूट देयर पेन। आप देख रहे हैं क्या चल रहा है दुनिया में। तो हमें आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, समझ में आया। अब किसी ने हमसे आज गाने की रिक्वेस्ट ही नहीं की, नहीं तो हम तो राम तेरी गंगा वैली का गाना गाने का पूरे मूड में था यार। आज किसी ने बोला ही नहीं, लगता आपका हमारा गाना पसंद ही नहीं है। उसका अंतरा इतना अच्छा है बेटा, इतना फिलोसॉफिकल है कि एक बार सुन लोगे ना सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार ये गंगा मैली कैसे हो गई, वो वाकई में अब समझ में आ रहा है। प्यारे दोस्तों, ये खबर आ जाई, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, है वो आजकल बहुत पोस्टर वोस्टर भी लग रहे हैं भारत में सबके, जितने बैंकों का पैसा लूट के भागे उनके भी लगा दे सरकार, तो मजा आ जाए फिर तो पूछो ही मत। एनीवे, वापस आते हैं दोस्तों इस पे। तीन चीजें पढ़ाऊंगा, वर्चुअल रियलिटी यानी कि आभासी वास्तविकता, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि संवर्धित वास्तविकता, मिक्स्ड रियलिटी यानी कि मिश्रित वास्तविकता। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो प्यारे दोस्तों, डिमांड आ गई। ऐसे इतने नालायक हो तुम लोग कि मैं बोलता नहीं हूं तब तक डिमांड भी नहीं कर, हद हो गई यार। प्रतिभागी कोई इज्जत ही नहीं भारत में, लो कर लो बात। तो राम तेरी गंगा मैली का गाना, अरे यार उसका अंतरा बहुत खूबसूरत है, अब सुनो तुम्हें, शांति से सुनो और उसमें से कुछ सबक सीख के हमें बताना। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती, न तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई, करे क्या बेचारी उसे अपने ही लोग डुबोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। सोचिएगा क्या गहरी बात कह गए, और ओरिजिनल वॉइस में सुरेश वाडकर साहब की सुनिएगा तो हिल जाएंगे आप। और अपने जीवन में इन चीजों को थोड़ी उतारने की कोशिश करना, ये सिर्फ गाने गाने के लिए नहीं गा रहा हूं मैं यहां, आपका फ्यूचर शेप करना है तो एक इंसान के रूप में आपको शेप करना मेरी थोड़ी सी ड्यूटी बनती है, बस वो ड्यूटी हमने निभा दी। मजा आया, वापिस आ जाए पढ़ाई पर। तो प्यारे दोस्तों, वर्चुअल शब्द का मतलब कंप्यूटर की भाषा में होता है कि जो रियल नहीं है लेकिन रियल जैसा लगता है, जो भौतिक नहीं है लेकिन भौतिक जैसा लगता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो अब एक लिखता है, 1 2 3 4 सैंडी सर की जय जयकार, थैंक यू रे भैया, चुनाव में खड़ा हो रहा हूं मैं, अगले प्राइम मिनिस्टर बना देना मेरे को, एक साल में ठीक कर दूंगा इस देश को। वर्चुअल रियलिटी इज एन एक्सपीरियंस क्रिएटेड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन मेक अ ह्यूमन फील लाइक ही इज एक्सपीरियंसिंग द रियल वर्ल्ड। तो वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर सिस्टम द्वारा बनाई गई ऐसी आभासी वास्तविकता होती है जो इंसान को ये दिखा सकती है कि वो रियल वर्ल्ड में है, या ये भी दिखा सकती है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं है, दोनों चॉइसेस हैं, समझ में आया। और ये इंसान के हाथ में है कि वो क्या एग्जैक्टली चाहता है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं।
ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर डली हुई एक और लेयर, इसीलिए तो ऑगमेंटेड नाम है ना, वो एक लेयर जुड़ जाती है। अभी बताऊंगा आपको, इसमें आपको दिख जाएगा कि तीनों में अंतर क्या है। तो वर्चुअल रियलिटी में आपको सिर्फ एक चीज दिख रही है चश्मे से, ऑगमेंटेड में दुनिया भी दिख रही है और उसके ऊपर चीजें आती जा रही हैं, तो आपको पता है मैं दुनिया में हूं, ऊपर से ये ऑगमेंटेशन है। और मिक्स रियलिटी में पूरे 3D ऑब्जेक्ट्स बना के ले आए, मिक्स यानी मिश्रित वास्तविकता, मिश्रित आभासी वास्तविकता। भोजपुरी गाना सुनाई है, अरे हमारा दिल टूट जाए, हमें आई नहीं भैया भोजपुरी, क्या करे प्यारे दोस्तों। मिक्स्ड रियलिटी इज द मर्जिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड टू प्रोड्यूस टोटली न्यू 3D विजुअलाइजेशंस। साइबर स्पेस इज अ नेटवर्क वर्चुअल रियलिटी, नॉट एन ऑगमेंटेड रियलिटी, नॉट अ मिक्स रियलिटी। इस पे सवाल था प्रीलिम्स में, वर्चुअल ऑगमेंटेड मिक्स्ड का अंतर पूछा था। आई होप तीनों क्लियर है। आप तीनों को चित्रों से समझ लो, ये है तीनों के बीच का अंतर। ये है तीनों के बीच का अंतर, समझ में आया? अब जिन्हें टेक्निकली समझना है कि इसमें पीछे होता क्या है, लेफ्ट साइड में इंसान है, समझ में आ रहा है, उस इंसान के सेंसेस हैं द आईज, द ईयर्स, द टच एक्चुएटर्स, द माउथ वेयर यू स्पीक एंड प्रोवाइड एन इनपुट, और वहां से पूरी साइकिल शुरू हो जाती है। तो जब आप वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, ऑगमेंटेड की बात करते हैं, मिक्स रियलिटी की बात करते हैं, ये चीजें आपस में ऐसी जुड़ी हुई होती हैं। तो वर्चुअल रियलिटी आंखों पे चश्मा पहना और एक रियलिटी, और आपको पता है कि ये आभासी है, समझ में आया? समझ में आया? ऑगमेंटेड रियलिटी में वर्चुअल रियलिटी के ऊपर सारी इमेजेस आती चली जा रही हैं, और मिक्स रियलिटी में पूरे पूरे 3D वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेट कर दिए गए, और वो तब तक नहीं दिखेंगे जब तक आप उनकी तरफ देखोगे नहीं। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये डेफिनेशन बेटा याद रखना, इस पर सवाल बना है, अगले साल आएगा कि नहीं वो हमें पता नहीं, लेकिन आपको पढ़ानी हमारी ड्यूटी है, और ये हो सकता है मेंस में आ जाए। तो जो कुछ आप पढ़ रहे हो ना, ये हर परीक्षा के लिए यूजफुल है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मैं तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने वाला आदमी हूं, अब जो समझदार बच्चा वो इस बात को जानता है कि यार ये चीजें जिंदगी भर काम आएंगी, तो बस समझदार बनो बेटा। क्लियर? इलॉन मस्क फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत इंसाइटफुल है। हाँ, इलॉन मस्क साहब हाल ही में काफी फ्रस्ट्रेट हो गए एक पब्लिक मीटिंग में, जानते हैं क्यों? तो ये मैं कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूं। इलॉन मस्क ने ये कहा एक मीटिंग में कि मैंने जो सोचा था कि हम मार्स पे कॉलोनीज बनाएंगे, मेरी कंपनी में इनोवेशन की जो स्पीड चल रही है वो इतनी कम है कि हम पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं, और उसके पहले तो मुझे लगता है कि मैं लंबा हो जाऊंगा, मतलब मैं गुजर जाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह है, इलॉन मस्क की एज है 48 इयर्स, इसका मतलब यह है दैट इवन द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑफन कम अप अगेंस्ट रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स। सबसे अधिक प्रतिभाशाली उद्यमी भी असल जिंदगी की समस्याओं से रूबरू हो जाते हैं। इलॉन मस्क एम्बिशियस जर्नी टू मार्स मे नॉट बी पॉसिबल इन हिज लाइफ टाइम। उन्होंने खुद ये कहा कि मैंने 2018 में यह एस्टिमेट किया था कि भाई ऐसा 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 हो जाएगा, 2025 तक हो जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि 15-20 साल और लगेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो भैया हमने अभी तक सॉल्व ही नहीं किए। थैंक यू प्रशांत कश्यप जी, आपने लिखा यू आर द बेस्ट टीचर फॉर टेक्नोलॉजी, थैंक यू सो मच। इस तरह के कॉमेंट्स काफी हिम्मत बढ़ाते हैं हमारी। वैसे आपने हमसे अभी पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ी नहीं है गुरु, जिस दिन हम पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाने पर आ गए, अरे बहुत मजा आएगा ठाकुर। एनीवे, तो इलॉन मस्क कहते हैं कि माय जर्नी टू मार्स मे नॉट बी पॉसिबल इन दिस लाइफ टाइम। सैटेलाइट 2020 कॉन्फ्रेंस में यह हुआ था, नाम याद रखिएगा, क्योंकि रेट ऑफ इनोवेशन मेरा उतना नहीं हो रहा है कंपनी में स्पेसएक्स में, और मैंने अपने लोगों को बहुत मोटिवेट किया, लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इतने ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अटक गई है। अब वो आखिरी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, समझ में आ गया आपको? तो हमने क्या सबक सीखा इस कॉन्सेप्ट से, द बेस्ट लेड प्लान्स ऑफ मैन कैन गो अराय, अंग्रेजी कहावत भी है ये। वैसे मैं अंग्रेजी का भी टीचर हूं, आप जिस दिन बोलेंगे आपके लिए अंग्रेजी का कोर्स भी ले आएंगे गुरु, चिंता मत करो। द बेस्ट लेड प्लान ऑफ मैन एंड माइस कैन गो एस्ट्रे,
बिकॉज यू डोंट, अब देखो ना कोरोना वायरस कितना बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट है, कितने लोगों को ब्लैक स्वान के बारे में पता है। नासिम निकोलस ताले बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने किताब लिखी थी 15 साल पहले द ब्लैक स्वान। द ब्लैक स्वान इवेंट कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस आर COVID-19 is COVID-2 और COVID-19 इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट ऑफ द ब्लैक स्वान्स। किसने सोचा था ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ ना। 3 महीने में खेल उल्टा हो गया ना पूरा, और वो तो पूरा अपने आप में एक टॉपिक बन गया है। तो इलॉन मस्क एक ब्लैक स्वान में फंसे हुए हैं अभी, अभी तो नहीं क्योंकि गाड़ी चल रही है, लेकिन भगवान जाने। हमारी तो खैर शुभकामनाएं हैं, आदमी अच्छा है, मेहनत कर रहा है, बहुत सारे पेटेंट्स पब्लिक के लिए उसने ओपन कर दिए है। इंटेलेक्चुअल पेटेंट जो है हमारे सिलेबस में हम डिटेल में पढ़ाएंगे प्लस पोर्टल पे, प्लस पोर्टल पे आप एनरोल जरूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी आप करेंगे तो। ये एक कंसेप्चुअलाइजेशन है कि मार्स पर आने वाली इंसानों की दुनिया कैसी होगी, हालांकि अभी तो बहुत साल है। आज का आखिरी कॉन्सेप्ट द हाइप अराउंड AI। अब हमने भी आपको इतना बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये लर्निंग, वो लर्निंग, वो लर्निंग, ये लर्निंग। प्यारे दोस्तों, ज्योति पूछ रही है कि क्या आप सोशियोलॉजी भी पढ़ाते हैं। सॉरी ज्योति, मैं सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाता हूं। प्यारे दोस्तों, तो आप यहां देख रहे हैं हाइप अराउंड AI। आज मैंने एक प्रोफेसर का रिसर्च पेपर पढ़ा कि क्यों AI से फिलहाल हमें डरने की जरूरत नहीं है। 3 एग्जाम्पल दिए, बस उस पर ध्यान लगा लो। प्रोफेसर साहब ने कहा, MIT के प्रोफेसर थे, लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर था, मैं पढ़ते रहता हूं ये सब रेगुलरली, तभी नई चीजें पता चलेंगी, कि ड्राइवरलेस गाड़ियों की तुम लोग इतनी बात कर रहे हो, लेकिन कोई भी नया ऑब्जेक्ट सामने आता है तो वो तो ढेर हो जाता है, तो अभी तो बहुत लंबा समय है। करेक्ट पॉइंट। सेकेंड, AI सिस्टम्स आर नॉट एबल टू फॉर्मुलेट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑन देयर ओन। उनका कहना है कि AI सिस्टम्स आंसर तो दे देते हैं, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हो। जब तक कोई क्वेश्चन नहीं फॉर्मुलेट करता तो वो काहे का इंटेलिजेंट। वेरी गुड पॉइंट। थर्ड, अगर हम AI से कोई जटिल सवाल पूछे जिसमें इंटरनल सिमेंटिक्स गोल 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 हो जाता है तो AI उसका जवाब ही नहीं दे पाता है। समझ में आया आपको। तो प्यारे दोस्तों, AI अभी बहुत लंबा समय है बिफोर इट बिकम्स अ थ्रेट फॉर मैनकाइंड। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इसका पूरा हिंदी भी मैंने आपको दे दिया है, तो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गए। चलिए प्रीलिम MCQ कर लेते हैं, फटाफट उत्तर दे दो सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ्स एस्टैब्लिश्ड दैट डायनासोर्स डाइड ड्यू टू ह्यूज एस्टेरॉइड स्ट्राइक ऑन अर्थ। इनमें से कौन सा सबूत है जो बताता है कि डायनासोर को एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड ने आकर मार डाला। हाय आए मार डाला। जल्दी बताइए ABCD आंसर दीजिए। हर बच्चा उत्तर देगा, कल गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया मैंने तो क्या फायदा, उन डायनासोरों की मृत आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर सही आंसर नहीं दोगे तो। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो आंसर ABCD, तो आगे बढ़ूंगा। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू गॉट सी एज द आंसर। ये हमने आपको डिटेल में पढ़ा, चिक्जुलू क्रेसर, यूकटान पेनिनसुला, मेक्सिको। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत जो है ABCD में से कौन से दो सिद्धांत, तो सिद्धांत का हिस्सा जल्दी कीजिए, मेरा टाइम समाप्त हो गया है, अब मुझे जाना है। ABCD, जल्दी बोलिए क्या उत्तर है, जल्दी बोलिए क्या उत्तर है, जल्दी बोलिए क्या उत्तर है, जल्दी बोलिए क्या उत्तर है। नेचुरली माई डियर स्टूडेंट्स, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रिंसिपल, स्पेशल में प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंट लाइट स्पीड दो चीजें होती हैं। आपको इस बेसिक लेवल पर चीजों को ज्ञान रखना है, बहुत ज्यादा फिजिक्स कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। हालांकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी गहराई में इससे बहुत ज्यादा अंदर मत जाना। द क्रायोजेनिक इंजन वॉज यूज बाय इसरो फॉर ABCD। इसरो ने एक बहुत शानदार क्रायोजेनिक इंजन CE-25 नाम दिया, बनाया, जिसको विकास इंजन कहा है, वो किसके लिए यूज किया। ABCD। जल्दी बोलो। ए, आई होप माई डियर स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड इट। ये रहा सिलेबस, कल शाम से मेरी प्लस पर क्लास शुरू हो रही है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का पूरा पूरा प्यार हमें SMSIR10 के कोड के साथ प्लस पोर्टल पर हमारी क्लास के लिए मिलेगा। अगर मिलेगा तो भैया बहुत मजा आएगा, और इसी तरह हम सब पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो अब आप मुझे संदीप आनंद होने को इजाजत दीजिए। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए। नमस्ते, जय हिंद।